माँ का प्यार भगवान का आशीर्वाद है। इस विषय पर मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ आपको। एक घर में सुबह से ही बड़ी चीख पुकार मची हुई थी। न जाने घर में कौन सा हंगामा हो गया था। रमेश की बीवी जोर जोर से चिल्ला रही थी, इतनी जोर से कि आसपास के घरों के लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ी औरत सिकड़ी हुई सकुचाई हुई सी आंसू बहा रही थी। मुंह से यूं तो एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन बहू के ताने सुनकर आंखें रो पड़ी थी। रमेश अपनी बीवी को बार बार समझा रहा था कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल बात यह थी कि टेबल पर रखी हुई बहू की जो अंगूठी थी वो कहीं खो गई थी, और वो पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि ये बुढ़िया वहीं बैठी थी, इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। बेचारी माँ बेबस सी अपने बेटे की तरफ आस लगा कर देख रही थी कि शायद यही कुछ बोले। बहूरानी ने तो समाज के आगे इज्जत उछालने में कोई कसर छोड़ी नहीं। हद तो तब हो गई जब पत्नी ने गुस्से में माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे से अंदर खींचा। रमेश का आपा भी जवाब दे गया और उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। अभी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी को तमाचा सहन नहीं हुआ, वो गुस्से में पति पर चिल्ला के बोली, तुमको मुझसे ज़्यादा अपनी माँ पर विश्वास है, ऐसा क्यों? रमेश की आंखों से भी अब आंसू निकलने लगे और बोला कि जब मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे पिता का देहांत हो गया था, तब मेरी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांझ कर और झाड़ू लगा करके मुझे पाला। मुझे याद है कि माँ बड़ी मुश्किल से एक वक्त के खाने का इंतजाम कर पाती थी, और वो खाना भी मेरी थाली में परोस देती थी और खुद एक खाली डब्बे को ढककर मुझसे झूठा बोला करती थी कि तू खा ले, मेरी रोटियां इस डब्बे में हैं, जबकि वो डब्बा हमेशा खाली होता था। लेकिन मैं भी जानता था तो मैं आधी रोटी बचाकर माँ से बोलता था कि मेरा पेट भर गया। और आधी रोटी माँ को खिला दिया करता था यही कहकर। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया, अपनी माँ के उस बलिदान को भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि माँ ने मेरे लिए न जाने कितनी ही इच्छाओं का गला घोट दिया। तुम तो मेरे साथ अभी केवल 2 महीने से हो, लेकिन मैंने तो माँ को पिछले 25 वर्षों से लगातार तपस्या करते देखा है। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर के क्या मैं माँ को एक अंगूठी का लालच होगा? अगर अपनी माँ पर शक किया तो भगवान मुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं और अपनी औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ कुर्बान नहीं करते? क्या कुछ कुर्बान नहीं करते माँ बाप? सारा जीवन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बदले में मांगते ही क्या है? बुढ़ापे पे 2 वक्त का खाना और अपने बच्चों का प्यार। क्या हमारे माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं हम पे? कहने को तो ये कहानी है, लेकिन सच्चाई इस कहानी से कुछ अलग नहीं है। हमारे समाज में आजकल यही हो रहा है। अपने माँ बाप की सेवा करें, उन्हें प्यार दें। और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। जय हो, आपका दिन मंगल में हो, जीवन खुशियों से भर, चारों तरफ आनंद ही आनंद की बरसात हो। जय हो।